हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आज के हमारे नए वीडियो में, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि कितने बड़े बाउल में आप कौन सी फिश और कितनी क्वांटिटी में रख सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि छोटे से बाउल में बहुत ज़्यादा फिश को रख देते हैं और फिश की डेथ हो जाती है। कितने बड़े बाउल में आप कितनी फिश रख सकते हैं, कौन सी फिश बाउल के लिए ज़्यादा सर्वाइव करती हैं और कौन सी कम, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो एक्वेरियम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 6 इंच का छोटा बाउल है, जिसमें हमने एक बेटा फिश रखी है। बेटा फिश सिंगल फिश रहती है और सिंगल हमने रखी है। तो आप भी छोटे से बाउल में एक फिश रख सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा रखेंगे तो 2 फिश, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में आपका 8 इंच का बाउल आता है, जिसमें आप 2 फिश 3 फिश रख सकते हैं। छोटी जैसे गप्पी मौली हो गई, ये फिश आप रख सकते हैं। 3 से 4 फिश आप छोटी जो है 8 इंच के बाउल में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में आपका 10 इंच का बाउल आता है, जिसमें आप 5 से 7 छोटी फिशेज रख सकते हैं, जैसे मौली, गप्पी, शॉर्ट टेल। यदि आप गोल्ड फिश भी इसमें रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके लिए आपको एक एयर पंप लगाना होगा और 2 से 2-3 गोल्ड फिश आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि 10 इंच का बाउल बड़ा होता है, इसमें पानी भी ज़्यादा आएगा और मछलियाँ भी सर्वाइव कर लेती हैं। उसके लिए आपको ऑक्सीजन लगाना होता है, पानी इसमें आपको कम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में आता है। अब इससे बड़ा आपका 12 इंच का बाउल आता है, जिसमें आप 5 से 7 फिश रख सकते हैं। मीडियम में जो फिशेस होती हैं, गोल्ड फिश में आप इसमें 3 से 4 रख सकते हैं। ऑक्सीजन लगा के, विदाउट ऑक्सीजन रखेंगे तो मछलियों की डेथ हो जाती है। तो अब बात कर लें बाउल के लिए कौन सी मछलियाँ ज़्यादा सर्वाइव करती हैं और कौन सी फिशेस कम सर्वाइव करेंगी। तो गोल्ड फिश ग्रुप की जो फिशेस होती हैं वो बाउल के लिए बहुत ही कम सर्वाइवर होती हैं। आपकी जो फाइटर फिशेस होती हैं, मौली हो गई, गप्पी हो गई, टेट्रा हो गई, बेटा फिश हो गई, इस तरीके की जो फिशेस होती हैं छोटी, जिनकी साइज काफ़ी छोटी होती है, जैसे इसमें आप देख लीजिए, ये विदाउट ऑक्सीजन के भी चल जाती हैं। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, पानी पुराना भी रहता है, चल जाती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बाउल में फूड आप बहुत ज़्यादा न डालिएगा, जिससे फूड बच जाए और उसमें घुलने के बाद जो है फूड इन्फेक्शन हो जाए और मछलियों की डेथ हो जाए। इस बात को आपको ध्यान में रखना। अगर हम बाउल की प्राइस के बारे में बात कर लें, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने बाउल के प्राइस के बारे में बात की है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसे ये आपकी छोटा बाउल 6 इंच का हो गया, जिसकी प्राइस है मात्र 100 रुपये का बाउल होता है। उसके बाद में 8 इंच का बाउल जो आता है वो 150 रुपये का होता है। जो 10 इंच का बाउल होता है वो 200 रुपये का होता है। जो 12 इंच का बाउल होता है वो 250 रुपये का बाउल होता है, जिसमें आप 100 रुपीज़ या 150 रुपये की फीसें डालते हैं तो लगभग ये वाला 250-300 रुपये में ऐसे ही कम्प्लीट हो जाएगा। तो बाउल अगर आप ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि बड़ा बाउल लें, नहीं तो आप एक्वेरियम रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि एक्वेरियम में आप सर्दी के समय में हीटर भी लगा सकते हैं, जिससे सर्दी में फिशेस को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि बाउल में सर्दी के समय में बाउल में मछलियाँ सर्वाइव करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे सर्दी के समय लोग बाउल में मछलियाँ भी नहीं रखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो एक्वेरियम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।